नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं शिवान के सबसे बड़े लोकल प्लेटफॉर्म पब्लिक ऐप से। आपको बता दूं कि शिवान में लगातार घोटालों का सिलसिला जारी है और शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम तरह के घोटाले यहां पे आ रहे हैं और उजागर करने में अगर महारत किसी ने हासिल की है तो वह है पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जो सिवान के ही रहने वाले हैं और पूर्व में ये रघुनाथपुर के विधायक भी रह चुके हैं, जिन्होंने कई ऐसे घोटाले सामने लाए हैं जो सरकार के और माननीयों की पोल खोलती है। अभी एक नया मामला आ रहा है सिवान के आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन को लेकर, ये क्या पूरा मामला है इन्हीं से सीधे तौर पर जानते हैं। इनका क्या आरोप है और क्या मांग करते हैं, क्या आपका आरोप है, क्या मांग करते हैं? आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट पास करना अनिवार्य है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल ने 28 लोगों का एडमिशन बिना नीट पास किए हुए लोगों का एडमिशन उन्होंने कर दिया, जो कि यह नियम के खिलाफ है। वैसे और हम कार्रवाई के लिए अतिशीघ्र गवर्नर को लिखने जा रहे हैं, संभवतः इन पर जांच भी हो रहा है यूनिवर्सिटी से, लेकिन यूनिवर्सिटी दबा देगा। ये तो आपको भी पता है कि गवर्नर के जो हाउस है उस हाउस में उनके बहुत करीबी लोग हैं, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है, उनके करीबी हैं तो मेरे भी करीबी कुछ लोग वहाँ हैं और हम उसको कागज पत्र तैयार कर रहे हैं, अतिशीघ्र चिट्ठी लिखकर प्रचार पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। देखिए, प्रचार का उम्र खत्म हो गया है, शासी निकाय के लोगों पर FIR करना चाहिए कि कैसे उम्र बढ़ा करके उनको पुनः प्रचार बढ़ा, पुनः प्रचार में बहाली करा दी। ये भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हो गया है आयुर्वेदिक कॉलेज, जिले के भ्रष्टाचार। अब जैसे एम्बुलेंस का मामला लें, एम्बुलेंस आयुर्वेदिक कॉलेज में कहीं राइट नहीं है एम्बुलेंस देने का। यहाँ के प्रचार ने 29 एम्बुलेंस को रिकमेंड कर दिया, तो भाग्य कहिए इस जिला के लोगों का, पत्रकारों का, उनके संज्ञान में आया, मामला हमारे पास आया, मैंने उठाया तो 7 एम्बुलेंस पर लोग रुक गए, तो वहाँ एम्बुलेंस की क्या आवश्यकता है? अभी एम्बुलेंस की क्या स्थिति है उसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है? हमने प्रयास किया, जब जाते हैं गेट बंद रहता है, कई गाड़ियाँ पड़ी हुई है, जो बता रहे हैं कि उसे शराब भी खोया जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है उसे मैं निजी कार्यों के लिए उपयोग, निजी कार्यों के लिए उपयोग में है न, उसका ड्राइवर है, जब चालके नहीं रहेगा तो कौन चलाएगा? अच्छा, ये बताइए कि इस मामले में आपने जो उजागर किया था, डीएम ने साफ तौर पर उस समय कहा था जिसमें उजागर हुआ था कि इसमें किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने ही जांच में ये पूरी रिपोर्ट ला दी कि ये लगभग 10 लाख एम्बुलेंस 21 लाख में खड़ी हुई है, तो इस पर आपने क्या कहा? इस पर हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और दोनों की मात्रा आरोपी, दो लोगों को ही आरोपी बनाया गया, जबकि इसमें आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रचार परिषद समिति के लोगों को भी आरोपी होना चाहिए, इन लोगों ने नहीं बनाया। तो मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री और को लिखा हूँ, अब मंत्री के से भी बातचीत हमारी हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप आइए सुनान से उनसे भेंट करिए, मैं दूंगा और मैं निश्चित इन लोगों पर कार्रवाई करवाऊंगा। आपको क्या लगता है कि किन किन लोगों को शामिल होना चाहिए इस पूरे परिषद कमेटी के मेंबर है? सिविल सर्जन है जो उसके चेयरमैन है, उस कमेटी में जो 5-6 लोग हैं उनको होना चाहिए, UPO तो है ही, एजेंसी है, ये है जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने रिकमेंड किया और जिन्होंने खाते में पैसा लिया, कोई डीलर के नाम पर 52 लाख रुपया कमीशन का 14 लाख रुपया के हिसाब से लिया गया है, वैसे लोगों को भी पकड़ना चाहिए। ये जो कमीशन का पैसा है ये गया है कोई डीलर के नाम पर, खाता में एजेंसी ने ट्रांसफर, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीलर को नाहक फंसा दिया गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डीलर इसमें जो लालू यादव जेल जा सकते हैं, लालू यादव कोई नोट गिन कर दिए थे कागज पर, और कहा नियम है कि विधायक मत में खपला होगा तो उसमें FIR केस नहीं हो, चिट्ठी तो उसने लिखा, उस चिट्ठी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस विधायकों पर भी FIR उनको होना चाहिए, पूना पांडे जी पर भी होना चाहिए FIR। चले, ये जो एडमिशन का मामला आप बता रहे थे, इस एडमिशन के मामले में क्या लगता है कि ये क्यों इस तरह का एडमिशन ले जाएगा, मेरे नीट पास किए हुए लेने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज माफिया का गढ़ हो गया है,
जिले के एक जो मंत्री हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, समझे, और इसको हम उजगार कर रहे हैं। मोटी रकम लेकर के एडमिशन किया गया बिना पैसे का। एक भी कितने का गमन का मामला था भैया? ये 2-3 करोड़ से ऊपर का मामला था, समझे। आयुर्वेदिक कॉलेज की जो कमेटी है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और जिस मकसद और निष्ठा से साहबुद्दीन ने उस आयुर्वेदिक कॉलेज को पाला पोसा और बढ़ाया, आज उस पर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो गया, उसके खिलाफ कब तक इसका पर्दाफाश करवा देंगे? हम लगे हुए हैं, नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, असेंबली में उठवाने जा रहे हैं विधायकों से, यदि नहीं वो पकड़वाई हुई हाईकोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या आयुर्वेदिक कॉलेज हो, ये सभी जगहों पे ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, और इससे उजागर होना जरूरी है, क्योंकि ये आम जनता की गाड़ी कड़ाई कमाई होती है, और इस गाड़ी कमाई में बहुत सारे लोग अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं। बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनका भी मोटा रकम लग जाता है, जो मापदंड के हिसाब से पैसे लगने चाहिए एडमिशन में कॉलेज में वो नहीं लगते हैं, बल्कि उससे 2-4 गुना पैसे लिए जाते हैं, और ये कहां कहां बढ़ते हैं इस पूरे मामले का उजागर होना चाहिए। फिलहाल जांच कमेटी कॉलेज के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा तो बैठा दी गई है, लेकिन प्रशासन स्तर पर इसकी जाँच कब होती है, कब सरकार इसके संज्ञान लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। शिवांशी, आकाश।